मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के बाद अगर पेमेंट नहीं होता है तो सरकार किसानों को 9% ब्याज देगी। किसान को उसकी फसल का पैसा डायरेक्ट उसके खाते में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना भी 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें 1 लाख लोगों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी आय 1 लाख वार्षिक है उसकी आर्थिक सहायता भी की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि लाल डोरा का काम हमने शुरू किया था, उसका प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लागू कर दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री। और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आढ़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए, तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया है, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस ना रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि 1 दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद 1 दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो 1 दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए, तो ऐसा उस के बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।